बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर में हम सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिखाया गया है कि ये आपके पास एक इनफाइनाइट बस है और ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइंस है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसमिशन लाइंस है इसके साथ तीन लोड कनेक्टेड है, दो इंडक्शन मोटर्स है और एक सिंक्रोनस मोटर है। तो ये जो इंडक्शन मोटर है इसका जो रियल पावर कंजम्पशन है दैट इज़ 100 किलोवाट और इसका पावर फैक्टर जो है दैट इज़ 0.78 पावर फैक्टर लेगा, ठीक है। जो दूसरा इंडक्शन मोटर है वो 200 किलोवाट का है, 0.8 पावर फैक्टर लेगिंग है, ठीक है। और इसी तरह जो आपका सिंक्रोनस मोटर है वो 150 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रहा है और इसका पावर फैक्टर जो है वो हम एडजस्ट करेंगे। पहले इसका फील्ड करंट हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि इसका पावर फैक्टर लैगिंग हो, ठीक है। इसका पावर फैक्टर लैगिंग हो तो फिर हम ये जो पूरा सिस्टम है इसका पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और ये पूरा सिस्टम जितना करंट ड्रा कर रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे और ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस हमें गिवन है तो इसका आई स्क्वायर आर लॉसेस हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर हम इंडक्शन जो हमारे पास जो सिंक्रोनस मोटर है इसके फील्ड करंट को हम एडजस्ट करेंगे और उसको फिर लीडिंग पावर फैक्टर पे लेके आएंगे। यानी इसके पावर फैक्टर को हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि आपका जो पूरा सिस्टम है उसका पावर फैक्टर नियर टू यूनिटी पर पहुंच जाए, ठीक है। सो फिर हम इसके पावर फैक्टर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर हम फाइंड करेंगे और फिर हम यहाँ पे पूरे सिस्टम का जो लाइन करंट है वो हम फाइंड करेंगे और इसका स्क्वायर आर लॉसेस को हम कैलकुलेट करेंगे। कीप इन माइंड कि जब आपका पावर फैक्टर लो होगा तो आपका ये जो सिस्टम है जिसमें तीन मोटर्स लगे हुए हैं इट विल ड्रा मोर करंट और जब आपका पावर फैक्टर नियर टू यूनिटी हो जाएगा सो दिस सिस्टम विल ड्रा लेस करंट एंड ड्यू टू लेस करंट यहाँ पे आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें आप लोगों का जो आई स्क्वायर आर लॉसेस है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। तो पहले हमें गिवन क्या है, हमें चूँकि हमें पता है कि पावर फैक्टर इज द रेशो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर, ठीक है। सो हमें रियल पावर तो हमें गिवन है 100 किलोवाट प्लस 200 किलोवाट प्लस 150 किलोवाट, ये आपके पास है रियल पावर। और जो अपेरेंट पावर है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अपेरेंट पावर को हम फाइंड करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे, उससे हम पावर फैक्टर निकालेंगे और पावर फैक्टर निकालने के बाद हम करंट को फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे, ठीक है। सो वी आर गिवन दैट इट ऑपरेट्स एट 480 वोल्ट, सो वी एल इज इक्वल टू 480 वोल्ट्स। लोड वन इज एन इंडक्शन मोटर कंज्यूमिंग 100 किलोवाट, यानी पी वन इज इक्वल टू 100 किलोवाट एंड पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम वन इज 0.78 पावर फैक्टर लैगिंग। लोड टू इज एन इंडक्शन मोटर एंड इट कंज्यूम 200 किलोवाट and its power factor is 0.8 power factor leading lagging 0.8 lagging. Load 3 is a synchronous motor whose real power consumption P3 is a synchronous motor and it has a power consumption of 150 kilowatt. Now if the synchronous if the synchronous motor is adjusted to operate at power factor lagging,
A power factor 3, the power factor of a synchronous motor is 0.85 lagging. The field current is adjusted such that its power factor is 0.85 lagging. Then we have to find out the transmission line current, as well as the whole system power factor. Okay, so as we know that the transmission line current is equal to P total is equal to under root 3 time VL IL cos theta. This is the total power and this is the power factor of the whole system. So the power factor of the whole system cos theta is equal to real power of whole system divided by apparent power whole system. Okay, so real power is very easy. We have to find P1 plus P2 plus P3. So P1 is 100 kilo. What is P2? 200 kilowatt. And what is P3? P3 is 150 kilowatt. So P real, तो टोटल आपका रियल पावर है, दैट कम्स आउट टू बी 450 किलोवाट, 450 किलोवाट, ओके, दिस इज पी रियल, ये आपके पास टोटल सिस्टम का जो पावर है, दैट इज 450 किलोवाट, नाउ वी नो दैट अपेरेंट पावर is equal to real power plus जो reactive power है, reactive power simply we can say that VA is equal to kilo W plus VAR whole square under the root. This relation we have studied in circuit analysis course. Okay, so now what is kilo W and what is kVAR? Now we know that kilo W is the real power is equal to VA cos theta. The imaginary power is Q, the reactive power, that is VA sin theta. So dividing equation 1 by equation 2, we will get P by Q, sorry, this we can write this as Q by P is equal to VA sin theta divided by VA cos theta. VA will cancel out with VA sin theta divided by cos theta is tangent theta. And this is Q by P. So Q is equal to P tangent theta. So Q1 is equal to P1 tangent theta 1. Q2 equal to P2 tangent theta 2. Q3 is equal to P3 tangent theta 3. We are given P1, जो इंडक्शन मोटर है उसका पावर गिवन है, उसका पावर फैक्टर गिवन है, जो दूसरा इंडक्शन मोटर उसके रियल पावर गिवन है, उसका पावर फैक्टर गिवन है.
जो सिंक्रोनस मोटर है उसका रियल पावर भी गिवन है और उसका पावर फैक्टर भी गिवन है। तो इससे हम इसका जो रिएक्टिव पावर है वो हम निकाल सकते हैं, और इनका जो टोटल रिएक्टिव पावर है, ठीक है, जो टोटल वी ए है, ठीक है, तो इन तीनों को आप ऐड करें, Q1 को प्लस Q2 को प्लस Q3 को, आप इन तीनों पावर्स को ऐड करें तो आपके पास ये टोटल रिएक्टिव पावर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास टोटल रिएक्टिव पावर आ गया, टोटल रियल पावर आ गया, आप इससे टोटल अपेरेंट पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, टोटल अपेरेंट पावर निकालना है, और फिर हमने क्या करना है, अपेरेंट पावर का और हमने जो रियल पावर है, रियल पावर और अपेरेंट पावर का रेशो निकाल के हमने पावर फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। सो नाउ लेट कम टूवर्ड द कैलकुलेशन। सो Q1 इज इक्वल टू P1 टेंजेंट थीटा 1। सो Q1 P1 इज गिवन दैट इज 200 किलोवाट एंड टेंजेंट ऑफ थीटा इज एक्चुअली कॉस इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर इज 0.8। सो दिस इज एक्चुअली 150 के वी ए आर। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू P2 एंड सॉरी दिस वी हैव कैलकुलेटेड Q2, दिस इज P2 थीटा 2। Q1 इज 100 किलोवाट टेंजेंट एंड थीटा इज एक्चुअली कॉस इनवर्स ऑफ 0.78। सो इट कम्स आउट 80.2 के वी ए आर। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट Q3। Q3 इज P3 टेंजेंट थीटा 3। सो Q3 इज इक्वल टू P3 इज हाउ मच, दैट इज 150 किलोवाट एंड टेंजेंट थीटा 3 इज द कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट इज पावर फैक्टर, दैट इज 0.85। सो दिस इज एक्चुअली 93 के वी ए आर। सो द टोटल रिएक्टिव पावर टोटल रिएक्टिव पावर इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दिस इज द टोटल रिएक्टिव पावर, दिस इज द टोटल रिएक्टिव पावर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो Q1 वॉज कैलकुलेटेड टू बी 80.2 प्लस 150 प्लस 93। सो द टोटल रिएक्टिव पावर कम्स आउट टू बी 323.2 के वी ए आर। सो दिस इज द टोटल की रिएक्टिव पावर क्यू। द टोटल रियल पावर कम्स आउट टू बी 450 किलोवाट। P1 प्लस P2 प्लस P3 कम्स आउट टू 450 किलोवाट। सो वी नो दैट अपेरेंट पावर इज इक्वल टू रिएक्टिव पावर स्क्वायर रियल पावर स्क्वायर अंडर द रूट। सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस 450 प्लस 323.2, सो इट कम्स आउट द टोटल अपेरेंट पावर इट कम्स आउट टू बी 554 किलो वोल्ट एम्पेयर। नाउ व्हाट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज रियल पावर डिवाइड बाई अपेरेंट पावर। सो कॉस थीटा, व्हाट इज द टोटल रियल पावर, द टोटल रियल पावर इज 450 किलो वाट एंड द टोटल वोल्ट एम्पेयर पावर इज 554 के वी आर।
So the power factor of the system comes out to be the power factor by calculating this, we will get 0.812 lagging. So we know that we have to calculate the line current. So we know that P is equal to under root 3 VL IL cos theta. So we total P is how much? The total P is 450 kilowatt under root 3. What is VL is VL is 480. We have to calculate the line current, and the power factors come out to 0.12. So by calculating this, we get IL is equal to 667 ampere. This is the IL we get in the first case in part A, when the power factor of the synchronous motor is said to be 0.85 power factor lagging, then the transmission line current of this system is 667 ampere. In part B, यहाँ पे आप देखें, पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि अगर सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को अगर हम 0.85 पावर फैक्टर लीडिंग पे अगर हम इसको लेके आते हैं, तो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, सिर्फ लोड 3 जो है वहाँ पे चेंजेस आई है, यानी ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का जो रियल पावर है, जो अपेरेंट पावर है, वो सेम है, इसी तरह इसका भी सेम है, लेकिन यहाँ पे इसका जो पावर फैक्टर जब चेंज हुआ है, तो इसका रियल पावर तो 150 किलोवाट ही रहेगा, लेकिन सिर्फ क्यों इसका चेंज होगा, ठीक है। तो वो अभी हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देखें, पी वन आपको गिवन है, दैट इज 100 किलोवाट, उसका पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं, पी वन 100 किलोवाट है, वही है। तो चूंकि आपका जो पहला इंडक्शन मोटर है, हमने सिर्फ जो सिंक्रोनस मोटर है उसका पावर फैक्टर चेंज किया है, सो सिर्फ उसका रिएक्टिव पावर चेंज होगा, यानी पी वन पी टू क्यू वन क्यू टू ये चेंज नहीं होगा, ये सेम आएगा। हमने सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर चेंज किया है, उसका पी थ्री कॉन्स्टेंट रहेगा, वही सेम रहेगा, लेकिन उसका जो रिएक्टिव पावर है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। तो उसका रिएक्टिव पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम पी थ्री टेंजेंट की फाई थ्री, तो पी थ्री कितना है, 150 किलोवाट है, और टेंजेंट फाई थ्री किसके बराबर है, कोस इनवर्स 0.85, लेकिन यहाँ मैं माइनस लगा रहा हूँ, माइनस इस वजह से क्योंकि आपका पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग नहीं है बल्कि लीडिंग है, तो लीडिंग पावर फैक्टर के साथ ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका जो रिएक्टिव पावर है वो -93 के वी आर आ गया, ठीक है। अब आपका जो टोटल रियल पावर है वो तो वही 450 किलोवाट है, यानी पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। अब जब आपके पास ये सिंक्रोनस मोटर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे है, और जो दो इंडक्शन मोटर्स है वो आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर पे है, तो इन तीनों का रिएक्टिव पावर जो है आप ऐड करें, तो आपके पास टोटल रिएक्टिव पावर जो है वो 137.2 के वी आर आ जाएगा। अब आपके पास टोटल रिएक्टिव पावर है, टोटल रियल पावर है, तो आप टोटल अपेरेंट पावर फाइंड कर सकते हैं। टोटल अपेरेंट पावर जो है वो किस चीज़ के बराबर है, टोटल रिएक्टिव पावर प्लस होल स्क्वायर प्लस टोटल अपेरेंट टोटल रियल पावर का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लें। तो इसको आप कैलकुलेट करें, तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट, सो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो टोटल अपेरेंट पावर है वो क्या आ जाएगा, 470 के वी ए किलो वोल्ट एम्पेयर आ जाएगा। अब पावर फैक्टर, चूंकि आप लोगों को पता है कि दिस इज़ द रेशो ऑफ रियल पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, सो व्हाट इज़ द रियल पावर इज 450 किलोवाट एंड द अपेरेंट पावर इज 470 वोल्ट एम्पेयर, सो द पावर फैक्टर इज कम्स आउट टू बी 0.96 लैगिंग। So the power factor of the whole system is 0.96 lagging. So when the power factor of the whole system is 0.96 lagging,
till we have to find the line current. So as we know that P total is equal to under root 3 times VL, IL and cos theta. Now this is the power factor of the whole system. So what is the total real power is 450 kilowatt under root 3. This is 480. This is what we have to calculate, and this we have calculated the power factor of the whole system, and that comes out 0.96. So calculating, we will get IL is equal to 566 ampere. Okay, so when the power factor of the synchronous motor is adjusted as 0.85 leading power factor, then the whole system draws 566 ampere of current. Okay, so that in part C we are asked to calculate the I square R losses, the transmission line, the power dissipated on transmission line, that are given I square R. So in first case, when the synchronous motor is operating at lagging power factor, then the power dissipated on transmission line is 3 into the current was calculated 667 ampere, and this is R. So 1344700 R. So itna much power will be dissipated when the synchronous motor is operating at lagging power factor. But when the synchronous motor is operating at leading power factor, then the line losses will be 3 into what is the current now, that is 566 square into R. It comes out to be 961070 RL. So now if RL is 1 ohm, so in first case we have more losses, in second case the loss is reduced. So यहाँ पे देखिए इस न्यूमेरिकल में, इसको मैं थोड़ा रिवाइंड करता हूँ कि इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया. ठीक है, यहाँ पे हमें एक सिस्टम गिवन है. इस सिस्टम में आपके पास तीन मोटर्स हैं, दो इंडक्शन मोटर है, एक सिंक्रोनस मोटर है. जो इंडक्शन मोटर है उसका रियल पावर आपको गिवन है, उसका पावर फैक्टर कांस्टेंट है. जो सिंक्रोनस मोटर है उसका रियल पावर 150 किलोवाट है. पहले आपको बताया गया कि ये सिंक्रोनस मोटर जो है उसके फील्ड करंट को इस तरह एडजस्ट किया गया है कि ये कितने पावर फैक्टर पे, 0.85 लैगिंग पावर फैक्टर पे चल रहा है. तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये 0.885 लैगिंग पावर फैक्टर पे चल रहा है तो इस पूरे सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है, ये कितना करंट ड्रा कर रहा है. तो ये कितना करंट ड्रा कर रहा है उसका रिलेशन क्या है कि पी टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम वी एल आई एल कॉस थीटा. और यहाँ पे जो कॉस थीटा है ये इस पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर है. तो हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम का जो रियल पावर है वो फाइंड किया, यानी इसकी रियल पावर को ऐड किया. फिर इसका जो रिएक्टिव पावर था, इसका रिएक्टिव पावर फाइंड किया, इन तीनों को ऐड किया, तो ये हमारे पास टोटल रिएक्टिव पावर आ गया. फिर हमें पता था कि हमारे पास जो अपेरेंट पावर, जो इस पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर क्या होगा, जो रियल पावर है डिवाइड बाय इस पूरे सिस्टम का अपेरेंट पावर. तो अपेरेंट पावर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है कि इस सिस्टम का जो रियल पावर है उसका स्क्वायर लिया जाए, इस पूरे सिस्टम का जो रिएक्टिव पावर है उसका स्क्वायर लिया जाए और उसका अंडर रूट कर दिया जाए, तो आपके पास इस पूरे सिस्टम का अपेरेंट पावर आ जाए. पूरे सिस्टम का अपेरेंट पावर आ गया, पूरे सिस्टम का रियल पावर आ गया, उसका रेशो फाइंड करने से आपके पास पावर फैक्टर आ गया. अब आपके पास जो फार्मूला है, पी टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वी एल आई एल कॉस थीटा, उसमें पी टोटल आपको पता है, यानी सिस्टम का जो टोटल एक्टिव पावर है, अंडर रूट 3 कांस्टेंट है, वी एल आपको गिवन है, कॉस थीटा आपने फाइंड कर दिया पूरे सिस्टम का, आप आई एल आप लोग फाइंड कर सकते हैं.
फिर आपने इसका पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग कर दिया। तो जब आपने इसको लीडिंग कर दिया तो इसका रिएक्टिव पावर चेंज हुआ, अपेरेंट पावर चेंज हुआ, और फिर आपने सेम प्रोसेस किया। फिर आपने पहले केस में आई स्क्वेयर आर लॉसेस कैलकुलेट किए, दूसरे केसेस में आपने आई स्क्वेयर आर लॉसेस कैलकुलेट किए, और आपने उसको कंपेयर किया। तो आपने कंक्लूजन ये है कि जब आपका सिस्टम का पावर फैक्टर नियर टू यूनिटी होगा तो आई स्क्वेयर आर लॉसेस कम थे, और जब वो नियर टू यूनिटी नहीं था, यानी पहले केस में वो यूनिटी से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे था, तो वहाँ पे आई स्क्वेयर आर लॉसेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में ये एक न्यूमेरिकल काफ़ी है, रमज़ान का महीना है, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।